सो क्वेश्चन नंबर 470, द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग अ क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लिक्विड ओरल आयरन सप्लीमेंट, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स टेल द क्लाइंट। एक क्लाइंट है जिसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। अब इस आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वाले पेशेंट को हम लिक्विड ओरल आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो नर्स उस क्लाइंट को बताएगी इस सप्लीमेंट देने से पहले। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर हम पेरेंटली उस सप्लीमेंट को दे रहे हैं, मतलब इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, तो वो जेड ट्रैक मेथड से लगाया जाता है। वो भी कैसे? आईएम दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, डेक्सट्रान, सॉर्बिटोल आयरन सप्लीमेंट्स के नाम है। लेकिन अब क्वेश्चन बोला गया है ओरल लिक्विड आयरन देना है। जो हम लोग ओरल आयरन सप्लीमेंट देते हैं तो उसको हमेशा ही स्ट्रॉ की मदद से पीना चाहिए, और आयरन का बेस्ट एब्जॉर्प्शन करवाता है सिट्रस फ्रूट, तो इसीलिए या तो हम उसको फ्रूट जूस के साथ दें या फिर विटामिन सी वाले कोई और फ्रूट के जूस के साथ दें। लेकिन कभी भी उस आयरन को मिल्क के साथ नहीं दिया जाता, क्योंकि मिल्क उसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी होता है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन ड्यूडनम और जेजुनम में होता है। आयरन हमेशा ही जूस में मिक्स करके पीना चाहिए, डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, क्योंकि आयरन एक मेटल है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन में कहेंगे आयरन की वजह से मेटालिक टेस्ट हो जाएगा। दूसरा है कि टीथ का डिस्कलरेशन होगा, मतलब ब्लैक कलर के टीथ हो जाते हैं, क्योंकि वो काला काला रहता ही है वो लिक्विड। तीसरा, आयरन के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। चौथा, जो स्टूल का कलर होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैक स्टूल। अब वन में मेटालिक टेस्ट था, तो उस मेटालिक टेस्ट था इसीलिए इस पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो स्ट्रॉ की मदद से ले। अगर टीथ डिस्कलरेशन हुआ तो इसीलिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अपने ब्रश कर ले टीथ को। अब हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, तो ये कहाँ होता है? ड्यूडनम और जेजुनम में होता है। विटामिन सी इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, या कहीं एसिडिक मीडियम में ये अच्छा एब्जॉर्ब होता है, इसलिए हमेशा इसको फ्रूट जूस के साथ लेना चाहिए। जूस में भी कौन सा? सिट्रस फ्रूट। अब आयरन के बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग उसको कब लें? तो इसके लेने के लिए, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारे स्टमक से HCl रिलीज होता है। अब HCl रिलीज हुआ और वही हमको चाहिए, खाना खाने के बाद इसको आयरन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, वही बेस्ट टाइम होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बिटवीन मील भी वो ले सकता है। बिटवीन मील कहे या आफ्टर मील कहे, दोनों ही सही रहेगा। बिटवीन मील मतलब होता है कि आपने एक बार खाना खाया, अब आप दूसरी बार जब मील खाने वाले हो उसके बीच में, अब एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कब होता है? तो आयरन को कभी भी मिल्क के साथ नहीं लेते। आयरन के साथ में कभी भी मिल्क नहीं देना और ना ही एंटासिड देना है, जैसे कि रैनिटिडिन, वो स्टमक के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और बेस्ट ऑब्जॉर्प्शन के लिए तो एसिडिक मीडियम ही चाहिए। तो ये पूरा आपको आयरन समझ में आया कि नहीं आया? इतने में ही आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों ने पूरा आयरन के बारे में समझ लिया होगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करवाते हैं ताकि उस एक क्वेश्चन में आपको 20 या 30 क्वेश्चन और निकल आए। सो अब हम एंटलेक्स का आंसर भी देखेंगे कि एंटलेक्स की बुक में इसका क्या आंसर दिया गया है। आप इसको रीड कर सकते हैं। पूरी बुक की थ्योरी प्लस MCQ का एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हिंदी में अच्छे तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने ग्रुप वगैरह में शेयर करिए, क्योंकि जितना ये वीडियोस शेयर होंगी उतनी ही वीडियोस हम और ऐसे ही कंटिन्यू बना पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।